हालचाल, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, अगर आप मनाली और शिमला हनीमून पर जाने के बारे में प्लान कर रहे हैं या पैकेज बुक कर रहे हैं, तो आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए ही है। बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूं। दोस्तों, मैं अपने एक्सपीरियंस के बिहाफ पर आज की वीडियो में बताऊंगा कि आपको किन किन चीजों को कैरी करना चाहिए जब आप हनीमून के लिए जा रहे हो मनाली या शिमला जैसे डेस्टिनेशंस पर। इसके साथ साथ मैं आपको बताऊंगा कि मनाली और शिमला जैसे डेस्टिनेशन पर किन किन चीजों को हमें अवॉइड करना चाहिए, नहीं तो आप लोग के साथ प्रॉब्लम हो सकती है और कुछ मनी का लॉस भी आपको ज्यादा हो सकता है। तो इन चीजों के बारे में अगर आप पूरी तरह से जानना चाहते हैं तो वीडियो पर लास्ट तक बने रहिए। और हाँ दोस्तों, अगर आपने वाईटी भारत चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड बटन आ रहा है, क्लिक करो, सब्सक्राइब करो, साथ में लगे बेल आइकन को दबाओ। आइकन को दबाने के बाद ऑल को जरूर सेलेक्ट करो ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और हाँ दोस्तों, अगर आप वाईटी भारत के लगभग 220 से ज्यादा बहुत ही इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग ट्रेवल डेस्टिनेशन के पैकेजेस को देखना चाहते हैं तो वाईटी भारत चैनल पर जाकर के सर्च करिए। आपको हर एक वीडियो में इंफॉर्मेशन भर भर करके मिलेगी और एंटरटेनमेंट तो आपका जबरदस्त होने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियो। चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि किन किन चीजों को आपको कैरी करना चाहिए। सबसे पहले जो आप पैकेजेस लेते हैं, खास करके वॉल्वो का पैकेज होता है, तो ऐसे में जो हमारी गर्ल्स होती हैं जिनको फोबिया होता है जब वो हिली एरियाज में जाती हैं तो उनको वोमिटिंग होने लग जाती है वॉल्वो के अंदर। तो वोमिटिंग से बचने के लिए जो मेरी अपनी नॉलेज है, हालांकि आप डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं, मेरे अकॉर्डिंग जो है वो एमसेट होती है। एमसेट को लेकर के आप जाइए तो आपको हिली एरियाज में वोमिटिंग की प्रॉब्लम बहुत कम हो जाएगी, नहीं तो आप पूरे ट्रैवल पर परेशान हो जाएंगी। ये खास करके मैं लेडीज के बारे में बता रहा हूं, और अगर जेंट्स कोई प्रॉब्लम है तो वो भी इस दवाई का सहारा ले सकते हैं, नहीं तो मेरे अकॉर्डिंग तो आप डॉक्टर से ही पहले प्रिस्क्रिप्शन ले लीजिए। दूसरा दोस्तों, जब आप सर्दियों के दिनों में जा रहे हैं, खास करके स्नोफॉल यानी कि नवंबर के एंड से लेकर के फेब के मिड तक, तो स्नोफॉल की पॉसिबिलिटी मैक्सिमम होती है। ऐसे में अच्छे खासे वुलन कपड़े आपको लेकर के जाने हैं, जैकेट्स आपको लेकर के जानी है, आपको सॉक्स लेकर के जानी है, जो जुराबे होती हैं, क्योंकि एक दो जुराब से काम नहीं चलता, जुराब बार बार गीली होती रहती हैं। और अगर आप मनाली के मॉल रोड पर खरीदेंगे तो जो जुराब आपको यहाँ पे 30-40-50 रुपए की पड़ेगी वहां आपको 100-150 रुपए की पड़ने वाली है। तो बढ़िया ये होगा अच्छी क्वालिटी की आप जुराबे लेकर के कम से कम 4 से 5 जोड़ी आप जुराब लेकर के जाइए। अगर आप खास करके बर्फबारी के महीनों में जा रहे हैं शिमला या मनाली, तो 4-5 जुराब लेकर के जाइए। इसके साथ साथ आप लोग अम्ब्रेला लेकर के जाइए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि बर्फ क्या होती है, बर्फ होती है जब आपकी बारिश पड़ रही होती है तो वही अधिक टेम्परेचर माइनस होने पर वही चीज आपकी बर्फ बन जाती है, तो आप अम्ब्रेला लेकर के जाइए। कई बार क्या होता है कि बर्फ के साथ साथ बारिश भी पड़ती है, तो अम्ब्रेला लेकर के अगर आप जाएंगे तो वो चीज आपको वहां पर जो है वो बचा लेगी बर्फबारी से और पानी से। इसके साथ साथ अगर आप जा रहे हैं तो साथ में एटीएम कार्ड लेकर के जाइए। कई बार क्या होता है हम जरूरत से ज्यादा वहां पे हमें जो है किसी कंडीशन में फंसने के बाद वहां पे शॉपिंग करनी पड़ जाती है या कोई चीज खरीदनी पड़ जाती है, तो एटीएम कार्ड यानी कि डेबिट और या क्रेडिट कार्ड आप जरूर लेकर के जाइए, साथ में अपने कैरी करिए। इसके साथ साथ जो है वो आप अच्छे मोबाइल फोन या DSLR कैमरों का जो है वो लेकर के जाइए, क्योंकि वहां की जो पिक्स होती हैं वो लाइफ वंस इन अ लाइफ टाइम जो है अपॉर्चुनिटी होती है, वहां की पिक्स इतनी बढ़िया जो है वो क्लिक करी आती हैं। तो अच्छा मोबाइल या अच्छा कैमरा लेकर के जाइए। अगर आपके पास नहीं है तो आपने किसी फ्रेंड से अरेंज कर सकते हैं, किसी रिलेटिव से अरेंज कर सकते हैं। इसके साथ साथ जरूर ध्यान रखिए कि सेल्फी स्टिक अच्छी क्वालिटी के लेकर के जाइए, सेल्फी स्टिक वो भी लेकर के जाइए जो स्टैंड हो जाती है, क्योंकि जब मैं गया था तो मैं सेल्फी स्टिक लेकर के नहीं गया था, बहुत अर्लियर डेज थे तो मैं को वहां पर पता ही नहीं था कि सेल्फी स्टिक क्या चीज होती है क्या नहीं होती है, तो मैं सेल्फी स्टिक लेकर के नहीं गया और मैंने बहुत ज्यादा मिसिंग किया। जब देखो किसी को बोलता था फोटो खींच लीजिए तो बहुत ज्यादा वो इरिटेटिंग लगता था, क्योंकि मोस्टली लोग वहां पर हनीमून सेलिब्रेट करने के लिए जा रहे होते हैं। तो ऐसा आपके साथ ना हो तो आप वहां पर लेकर के जाइए सेल्फी स्टिक वो भी स्टैंड वाली, जो आपके इस तरह से ट्रायंगुलर लाइफ स्टैंड हो जाते हैं। इसका मैं फोटोग्राफ्स आपको यहां पर दे रहा हूं, तो फोटोग्राफ को देख करके आप देख लीजिए कि किस तरह की सेल्फी स्टिक आपको लेकर के जानी है, और सेल्फी स्टिक कैरी करिए। DSLR को अगर आप फिक्स करना चाहते हैं DSLR को इस पर फिक्स कर दीजिए, या आप सबसे बढ़िया होगा कि आप मोबाइल को फिक्स कर लीजिए, क्योंकि DSLR थोड़ा सा हैवी होता है, प्रॉब्लम हो सकती है, तो मोबाइल को फिक्स करके और सेल्फी स्टिक के अंदर आपका रिमोट होना चाहिए, आप दूर से जो है अपनी खुद की फोटो खींच सकते हैं और चाहे कितना भी व्यूअर एंगल लेना चाहें वो आप इजीली ले सकते हो। तो आप इन चीजों को कैरी करिए। इसके साथ साथ आपको किन चीजों को अवॉइड करना है दोस्तों, जब हम लोग जाते हैं वहां पर साइट सीन के लिए, खास करके हम लोग रोहतांग पास जाते हैं, सोलांग वैली जाते हैं, तो आपका कैब का ड्राइवर आपको लेकर के जाता है और बोलता है कि यहां से
आप जो है वो स्नोफॉल आगे बहुत ज़्यादा पड़ रही है, वहाँ पर आप जैकेट्स ले लीजिए, वहाँ के लिए आप बूट्स ले लीजिए। तो अगर आप बूट्स लेना चाहें तो आप ले सकते हैं, 50 से 100 रुपये का वहाँ पर बूट्स का खर्चा होता है। लेकिन कई बार क्या होता है, ये टैक्सी ड्राइवर जो है अपने कमीशन को बनाने के लिए वहाँ पर आपको कपड़े जो हैं उनका वो एक्चुअली में रेंट पर मिलते हैं, वो 700-800 रुपये के रेंट पर आपको दिलवा देते हैं। कई बार तो लोगों से 1000 और 1200 रुपये तक का रेंट लिया जाता है, जो बिल्कुल वाजिब नहीं है। एक्चुअली में 200 रुपये का रेंट होता है, 200 से 250 सीजन के अकॉर्डिंग, जिसमें आपको प्रॉपर ड्रेस भी मिल जानी चाहिए और शूज भी मिल जाने चाहिए, जो आपके चमड़े टाइप के शूज होते हैं जो बर्फबारी के लिए बने होते हैं उसमें, ताकि पानी ना भर पाए। तो अगर आपको कोई 200 या 250 में आपको दे रहा है तो आप उनको ले लीजिए रेंट पर, और वापस आकर के उनको वापस देना होता है तो आप वो ले लीजिए। अगर आपको 250 रुपये से कोई ऊपर बता रहा है तो आप उनको मना कर दीजिए कि मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि सोलांग वैली या रोहतांग पास जब आप जाएंगे तो आपको वही चीज आपको 50, 100, 150 रुपये में जो है इजिली वहां पर मिल जाएगी। तो ये सबसे बड़ी सलाह है जो आपकी जेब पर जो है वो अधिक खर्च आने से आपको बचा लेती है। इसके साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपको, मान लिया आप सोलांग वैली से होकर के आ रहे हैं और वशिष्ठ टेम्पल आप नहीं जा पा रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि वशिष्ठ टेम्पल वहां पर जरूर होकर के आइए। वहां पर सल्फर का स्प्रिंग है, वहां पर गर्म पानी का जो है स्रोत है, वहां पर लोग चावल भी उबालते हैं अपनी मेथोडोलॉजी के अकॉर्डिंग। तो आप वहां पर जाकर के वशिष्ठ टेम्पल में जरूर इंजॉय करिए, ज्यादा दूर नहीं है, तो वहां पर आप जरूर दर्शन करके आइएगा वशिष्ठ टेम्पल का। अपने पैकेज में अपने ड्राइवर से बोल दीजिए, वो 50, 100, 150 रुपये एक्स्ट्रा लेगा, चाहे आप ऑटो से जा रहे हैं गर्मियों के दिनों में या कैब से जा रहे हैं, 50, 100, 150 रुपये में आप वहां पर जाकर के हो सकते हैं, जो वंस इन ए लाइफ टाइम आपकी अपॉर्चुनिटी होने वाली है। बस ये कुछ सलाह थी जो मैंने आपको दी। उम्मीद करता हूं आपको ये सलाह बहुत इन्फॉर्मेटिव लगी। इससे जुड़े अगर आपको कोई भी सवाल अभी रह जाते हैं मनाली या शिमला से जुड़े हुए ट्रैवल डेस्टिनेशन रिलेटेड, अगर आपको कोई भी सवाल रह जाते हैं जो आप पूछने चाहते हैं, आप ट्रैवल करने जा रहे हैं आपको समझ में नहीं आ रहा, तो आप वाईटी भारत पर कमेंट करके पूछ सकते हैं, सारे सवालों के जवाब आपको दिए जाएंगे। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, जो फ्रेंड्स आपके जाने वाले हैं उनको शेयर करें। मिलते हैं इसी तरह के बहुत ही अगले इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, बने रहिए वाईटी भारत चैनल पर। सब्सक्राइब कीजिए YT भारत चैनल को और साथ में बेल आइकन पर क्लिक कीजिए पाने के लिए लेटेस्ट वीडियो, और वो भी बिल्कुल फ्री में।